एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी एकदम ठीक ठाक से होंगे और मैं भी एकदम ठीक ठाक से हूँ। और आज डे है मंडे, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग ये मत बोलिएगा कि मतलब जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा, मे बी 2-3 दिन बाद ही जाता है कोई ब्लॉग, तो आप लोग ये मत बोलिएगा कि आज तो मंडे नहीं है, मतलब इनको दिन करेक्ट पता नहीं है। क्योंकि मैं तो जिस दिन ब्लॉग बना रही हूँ उसी वही वाला दिन बताऊंगी, और ब्लॉग जाता है 2 से 3 दिन बाद, तो इसलिए डे बदल जाता है। और ये मत सोचिएगा कि मैं अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी मैं चाय कॉफी कुछ पी रही हूँ। एक्चुअली ये मैं चाय कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, ये मेरा वेट लॉस ड्रिंक है जो मैं दिन में 2 से 3 बार पीती हूँ। और इसको ना मतलब चाय की तरह ही पीना है, चुस्की ले ले करके, तो इस वजह से मैं 3 से 4 बार पीती हूँ। तो एक बार मॉर्निंग में, फिर एक बार दोपहर में, फिर एक बार अप्रॉक्स 3 से 4 o'clock के बीच में इवनिंग टाइम पे, और एक बार रात में खाना खाने के बाद पी लेती हूँ कभी कभी, और कभी कभी खाने से पहले भी पी लेती हूँ, कोई इसका रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो और वैसे चाय और कॉफ़ी मुझे भी बहुत पसंद है, मतलब चाय भी मैं बहुत पीती हूँ, लेकिन अब मुझे कम करना है चाय पीना, क्योंकि इतना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और ये मतलब मेरे हस्बैंड तो बोलेंगे कि मतलब तुम लोगों को सुबह सुबह कुछ मिले या ना मिले, घूंटी मिल जाए, घूंटी आप समझ रहे हो ना, चाय को वो घूंटी बोलते हैं कि अगर तुम लोगों को घूंटी मिल जाए ना, तो बस वही तुम्हारा पूरा दिन का एनर्जी ड्रिंक होता है। तो वैसे वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि सच में सुबह उठो ना तो सबसे पहले लगता है चाय ही पियो, लेकिन इतनी अच्छी हैबिट नहीं है ये। जितना हो सके चाय को उतनी नहीं पीनी चाहिए, कम से कम ही पीना चाहिए। तो इस वजह से मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि कम करूँ, और वेट लॉस तो मतलब एक ऐसी जर्नी है कि इमीडिएट नहीं होता है, प्रोसेस में रखता है, टाइम लगता है। क्योंकि मेरी भी आफ्टर डिलीवरी ना, मैंने अप्रॉक्स 10 से 12 kg वेट गेन किया था, तो उसको फिर स्टार्टिंग में सिक्स सेवन मंथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। मतलब आफ्टर डिलीवरी आप खूब खाते हो, जितना आप खा सकते हो, मतलब हर तरह की चीज़ें ना भर भर के मम्मी लोग खिलाती हैं, सेठौरा हो गया वो, और मतलब कितना भी आप खाओ तो वो वेट आपका लॉस नहीं होता, बढ़ता है। बट वो ज़रूरी होता है उस टाइम पे, हमें एक्सरसाइज को भूल करके और मतलब वेट लॉस के प्रोसेस को भूल करके पूरा कंसंट्रेट ना अपने बेबी पे देना होता है। तो बेबी पे कंसंट्रेट करने के लिए ये सब खाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब चीज़ें उसके लिए बेनिफिशियल होती हैं, बिकॉज वो ब्रेस्ट फीड पे डिपेंड होता है। तो उसके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं ये सारी। तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और उसके बाद 7 मंथ्स के बाद मैंने धीरे धीरे कोशिश करना शुरू किया है, तो फिर भी मैंने काफ़ी वेट लॉस कर लिया है। मतलब अप्रॉक्स 12 kg मेरा बढ़ गया था, और अभी मतलब 4 to 5 kg तो एटलीस्ट मेरा कम ही हुआ है। तो चलो इसी तरह लगे रहो, देखते हैं कब फाइनली कम होता है। और आज मैंने हेयर वॉश किया है, तो मैंने सोचा मैं अपना हेयर केयर रूटीन भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो कल बालों में मैंने ऑयल मसाज किया हुआ था, ऑयल लगाया हुआ था, और उसके बाद आज हेयर वॉश किया है, उसके बाद अभी मुझे पैक अप्लाई करना है। तो चलो मैं दिखाती हूँ कि मैं रेगुलर कौन सा पैक लगाती हूँ हेयर्स पे अपने। बिल्कुल नेचुरल है, अपने किचन में आपको ईजिली मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो सिंपल तरीके से किचन वाली चीज़ों से, देसी चीज़ों से ये पैक रेडी होगा, और मैं इसको कोशिश करती हूँ कि वीक में 1 बार ज़रूर अप्लाई कर लूँ। अगर 1 बार नहीं हो पाता है तो 15 डेज में तो एटलीस्ट कंपलसरी ही है कि मैं ज़रूर अप्लाई करती हूँ। तो चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ अपने बालों पर। तो चलो अपना एनर्जी ड्रिंक ख़त्म कर लेती हूँ, फिर थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ।
यहाँ पे मैं अपना हेयर मास्क रेडी करने जा रही हूँ, और जिसको मैं 1 वीक में जरूर एक बार अप्लाई करती हूँ। कभी कभी नहीं हो पाता है, बट कोशिश करती हूँ कि 1 वीक में मैं इसको जरूर एक बार अप्लाई कर लूँ, और काफी अच्छा इफेक्ट होता है और बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी इसके साइड इफेक्ट नहीं है, और होममेड चीजों से बन भी जाता है, घर में ही आपके पास चीजें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाना को मिक्सर ग्राइंडर कर लिया है, और उसके बाद मैंने इसमें पतंजलि का एलोवेरा जेल मिक्स किया हुआ है, और इसमें मैं थोड़ा सा लेमन जूस भी ऐड करूंगी और हल्का सा मैं शहद ऐड करूंगी। तो ये इन्हीं चार चीजों से मैं ये मास्क रेडी करूंगी, और ये काफी स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो गया है, और इससे ना हेयर्स की बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। लाइक आपके जो हेयर्स होते हैं वो काफी शाइन करने लगते हैं, और उसके साथ डैंड्रफ्स की भी प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है, और अगर आपके बाल ज्यादा झड़ भी रहे तो वो भी थोड़ा कम होते हैं। तो काफी अच्छा ये मास्क होता है। तो अभी मैंने अपने हेयर्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर लिया है, और ऐसे थोड़े थोड़े लेयर्स लेकर के मैं इस तरीके से हेयर मास्क को अप्लाई करूंगी, और पूरा जो जो मेरा हेयर्स है सभी पर ये लगाऊंगी, और उसके बाद इसको पूरा कवर कर लूंगी और सिंपली एक जूड़ा टाइप में बना लूंगी। इस टाइम पे एज यू नो पार्लर जाना बहुत ज्यादा सेफ नहीं है, हर कोई अवॉइड कर रहा है, मैं भी अवॉइड करती हूँ। तो होममेड चीजों से ही हमें घर पर ही अपनी स्किन हेयर सभी का ध्यान देना है। तो मेरा ज्यादा कुछ हेयर केयर रूटीन नहीं है, बस सिंपली मैं 1 वीक में 1 बार हेयर मसाज करती हूँ, अपने बालों को अच्छे से मसाज देती हूँ, और उसके लिए मैं बस कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, और उसके अलावा मैं वीक में 1 बार इस तरीके से ये वाला मास्क अप्लाई करती हूँ हेयर्स में, और बस जस्ट नॉर्मली शैम्पू कर लेती हूँ। तो आप ध्यान ये दीजिए कि जब भी आप अपने बालों में शैम्पू करिए उसके बाद ही ये हेयर मास्क अप्लाई करिए, तो काफी अच्छा इफेक्ट आता है। और इस तरीके से मैंने दोनों साइड के हेयर्स में मैं अप्लाई कर रही हूँ, आप देख सकते हो, तो मेरे दोनों साइड के हेयर्स अच्छे से कवर हो जाएंगे, और उसके बाद जो हेड में ऊपर बचा हुआ पार्ट है वो भी मैं उस पर भी अच्छे से अप्लाई करूंगी। तो सेम ऐसे ही आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है सच में, आप एक बार करोगे। आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मतलब हम सबके लिए करते हैं बट अपने लिए हमें बहुत आलस आता है, तो नहीं करना चाहिए। अपने हेयर्स और अपनी स्किन का हमें थोड़ा सा ध्यान जरूर देना चाहिए। तो बस ये देखो हो गया है, और इस तरह से मैं अपने हाथों की हेल्प से कॉम्ब कर लूंगी, अच्छे से सेट कर लूंगी इसको, और बस एक जूड़ा बना लूंगी। तो चलो अभी मैं अपने वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।